हेलो फ्रेंड्स, मैं जसदीप कौर आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली मस्ती पे। आज हम आ चुके हैं नैनीताल। फ्रेंड्स, आज की जर्नी स्टार्ट कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं नैनीताल को घूमने के लिए। नैनीताल घूमने के लिए आपको कम से कम 2 दिन चाहिए। 1 दिन चाहिए आपको नैनीताल ऊपर घूमने के लिए और एक नीचे लोकली एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज की हमने जर्नी प्लान किसके कैसे की है ये हम आपको बताते हैं। आज हम सबसे पहले जा रहे हैं केव गार्डन। केव गार्डन से हम जाएंगे वाटरफॉल, वाटरफॉल से हम जाएंगे खुलपाताल लेक देखने के लिए जो कि रंग बदलती है 7 बार साल में। इसके बाद हम चलेंगे मनसा देवी माता जी के दर्शन करने। माता जी के दर्शन के बाद हम कहाँ जाएंगे? कुछ एडवेंचरस स्पोर्ट्स नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे एडवेंचर विलेज की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे लवर्स पॉइंट की ओर और लवर्स पॉइंट के साथ ही हम देखेंगे सुसाइड पॉइंट भी। इसके बाद हम क्या करेंगे? हॉर्स राइडिंग, टुक 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 टुक। कहाँ पे? जिम कॉर्पोरेट का एक पार्ट है कैमल बैक ट्रैक, उस पर हम करेंगे हॉर्स राइडिंग। फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर हम चलेंगे नैनीताल का नाइट व्यू देखने के लिए और फिर हम अपने होटल की ओर चलेंगे। ये यहाँ पे होगा हमारा फर्स्ट डे का एंड। तो पहला अपना पॉइंट विजिट कराते हैं जो कि है केव गार्डन। हेलो फ्रेंड्स, हम एंटर कर चुके हैं केव गार्डन में। तो चलिए अब हम आ रहे हैं टाइगर केव की तरफ। देखिए टाइगर की आवाज। नीचे सर बचाना पड़ेगा नहीं तो ठंडा हो जाएगी। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, आई कांट टेल यू। हमारे आगे कुछ लोग हैं, हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। थोड़ा मुझे आगे फील हो रहा है, बहुत नैरो वे है। चलिए देखते हैं। ये देखिए इस रास्ते को कैसे छोटू सा हो गया है। आप देख सकते हैं कितना नैरो हो गया यहाँ से ऊपर जाना। चलिए ट्राई करते हैं, निकल पाते हैं कितनी देर में। मैं 1 ही सेकंड में निकल गई। दैट्स अमेजिंग। मेरे आगे कुछ लोग हैं, हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। चलिए अब हम वैसे ही नैरो वे हमने क्रॉस किया, अभी 2-3 चेयर्स हैं और फिर हम उतर गए। देखिए टाइगर कैसे रह रहा है, इसमें आपको ये शो करने की कोशिश की गई है। बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे भी दिखाया गया है जैसे कि जहाँ पे टाइगर छुप के रहता है। अब हम आ गए हैं दाल की तरफ। ये हम आ गए टॉप पे आते हुए। इट्स जस्ट वाओ। अब देखते हैं हम एग्जिट कैसे कर रहे हैं। ये एग्जिट पॉइंट पे हैं हम और ये आ गए हम बाहर। जैसे हमने टाइगर केव से एग्जिट लिया, अब हमें एरो दे रखा है पैंथर केव की तरफ। आइए हमारा नेक्स्ट है पैंथर केव। पैंथर केव कम ऑन। यहाँ पे आपको शेयर है जो कि आपको बहुत ध्यान से उतरनी है।
अभी थोड़ा सा नैरो वे है तो आपको दिख के उतर आइए। तो वाओ देखिए आप यहाँ पे कहीं कहीं कुछ पानी सा भी है, घीरा सा था और थोड़ा सा ठंडक दे रहा है। काफी डीप वे में है जहाँ पे जैसे पैंथर रहता है। अब हम बाहर निकल रहे हैं, बहुत ही नैरो वे में है ये। माइट बी पॉसिबल आपको लाइटिंग अच्छी ना दिख रही हो, मगर आपको एक्सप्लोर करना है तो खुद आना पड़ेगा। हमारे आगे काफी लोग हैं तो हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। चलिए चलते हैं हम। एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप ऐसे कहीं भी आते हैं घूमने के लिए आप लगेज कम से कम कैरी करें ताकि आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। अगर आप लगेज कैरी कर रहे हैं तो आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते। चलिए अब थोड़ा सा बहुत ज्यादा नैरो है, निकलते हैं यहाँ से। आगे बढ़ते रहिए। बहुत ज्यादा नैरो है। जब तक ये लोग निकलते हैं आने वाले यहाँ पे चल ले, चलिए आइए। बहुत कम स्पेस है, हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। चलिए अब हम माल की तरफ आ गए हैं। अब हम आ चुके हैं पैंथर लेक केव से बाहर। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट केव की ओर जो कि है पॉर्क्यूपाइन केव। आइए इसमें एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है। सुनिए सुनिए सुनिए, इसकी बहुत अच्छी आवाज है। चलिए पूरा पहाड़ों के अंदर है और बिल्कुल बल्ब लगे हुए हैं लाइटिंग के लिए, बड़ा ध्यान से आना पड़ेगा और बहुत ज्यादा नैरो है। आइए देखिए, पूरा झुक के निकलना पड़ा है इसमें। हम निकल आए, बिल्कुल बैठ बैठ के निकलना पड़ा है इसमें से हमें। आगे काफी लोग हैं आप देख सकते हैं। जय राम ते
आधे घंटे कुछ कॉलेज से निकाल देंगे, और जो कि आगे कोई शक हो गया तो हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो हम ये बाहर आ गए केव से, अब नेक्स्ट केव की ओर चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ झूले वगैरह भी दे रखे हैं। केव गार्डन की कैंटीन तक आ चुके हैं, और यहाँ पे आप बैठ के कुछ भी अपना स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। और देखेंगे आप यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू है माउंटेन्स का। ये पूरी रिलेटिव है जहाँ से आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम सोच रहे हैं हम अपने लिए पनीर पराठा ले लें, चलिए ऑर्डर करते हैं। बताया है कि पनीर पराठा अवेलेबल नहीं है, तो हम पूछते हैं नीचे कि क्या क्या अवेलेबल है। आइए, ये क्या क्या मिल जाएगा आपको? और आलू पराठे मिल जाएंगे, और पनीर मोमोज मिल जाएंगे, और चाय और कॉफी मिल जाएगी, और ब्रेड आमलेट मिल जाएगा। तो अब जो अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से हम आलू परांठा ही सोच रहे हैं, एक बार ट्राई करते हैं। चलिए हम आलू परांठा ट्राई करते हैं। कितने का है भैया? मैम आलू परांठा आपका 60 रुपए का है। 60 रुपए का है, बहुत रीजनेबल प्राइसेस है, और हमें उम्मीद है भैया बहुत अच्छा बना के देंगे। हम खाने के बाद रिव्यू करते हैं इनका। चलिए, जब तक हमारा आलू का परांठा बन रहा है तब तक हम कुछ और एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि भैया ने हमें 5 से 10 मिनट बोले हैं उसका वेट टाइम। चलिए आइए, एक सिटिंग एरिया है जहाँ पे आप बैठ के पूरा माउंटेन का व्यू चारों तरफ का देख सकते हैं। पूरे व्यू को मैंने पूरा व्यू दिखाने की कोशिश की है इसमें आपको। देखिए बहुत ही रिलैक्सिंग। परांठा दे दिए, थैंक यू अंकल। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हैं हमारे ब्लॉग में आने के लिए। कहाँ से? राजस्थान। आपको जब भी आप आए अपने फ्रेंड्स के साथ आए ताकि आप फुल टू एंजॉय कर सकें। आलू का पानी भी है यहाँ पे, चलिए हम ऐसे पुराने स्टाइल में लेते हैं। बढ़िया कर लिया हमने, विजिट किया टाइगर के, पैंथर के, पॉलक्यूपिन के, बैट के, फ्लाइंग फॉक्स के, और फिर हम आ गए थे अपने कैफेटेरिया में, और अब हम जा रहे हैं एग्जिट की ओर। अब हम आ चुके हैं अपनी शूटिंग रेंज पे। उन्होंने मुझे बोला है कि अगर आप सिक्के पे और वो जो एक सिलाई सी लटकी हुई है अगर आप उस पर मारते हो तो आपका फ्री हो जाएगा, अगर आप बैलून्स वगैरह शूट करते हो तो वो आपके ऐसे ही शूटिंग रेंज आप एंजॉय कर सकते हो। आई नो मेरा निशाना ज्यादा अच्छा है नहीं, बट फिर भी मैं ट्राई करने जा रही हूँ। कुछ भी नहीं लगा यार। कुछ लगा, बैलून गया इस बार। एक और बैलून छूट गया हमने। शूटिंग के बाद मेरा मन होता है बुल्टा खाने का। अभी आंटी बैठे हैं, इन्हें कैसे छोड़ के चले जाए ऐसे? कितने का दे दो आंटी बुल्टा? पहले अपना विजिट किया है केव गार्डन, अब हम जा रहे हैं वॉटरफॉल की ओर, पर अब देखते हैं वॉटरफॉल में कैसे हम एक्सप्लोर करते हैं। चलिए चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी सेकंड डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है वॉटरफॉल।
मैं ऊपर जा रही हूँ वाटरफॉल के टॉप की तरफ। आइए चढ़ गए और हम आ चुके हैं वाटरफॉल के टॉप पे। आइए दिखाते हैं, काफी लोग हैं यहाँ पे। अब हम टॉप पे आ चुके हैं और हम अंदर जा रहे हैं वाटरफॉल। अरे वाह, अगर आप वाटरफॉल पे आ रहे हैं तो आप शूज उतार के जाइए पानी में, तो आप बहुत एंजॉय करेंगे। आप देख सकते हैं मेरी जीन्स और थोड़ी कुर्ती भीग चुकी है, लेकिन इट्स रिलैक्स कर देगा आपको। जितनी भी थकान है आपकी पूरे दिन भर की, वो पूरी खत्म हो जाएगी। तो शूज उतार के जाइए। आइए, भैया हमें लेके जा रहे हैं मनसा देवी मंदिर। और कहाँ लेके जा रहे भैया? खुलपा ताल लेक। साल में 7 बार कलर चेंज करता है। साल में 7 बार कलर चेंज करता है। अभी कौन सा कलर है? अभी तो सुबह तो ब्लैक था, सुबह ब्लैक नीला मतलब ब्लैकिश और ब्लूइश सा था। अभी चल के देखते हैं, भैया बता रहे हैं सुबह किसी को घुमा के आए, हम देखते हैं हम क्या देखते हैं कलर उसमें। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं खुलपाता लेक, जो कि मेरे को बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। भैया बता रहे हैं इसकी 7 बार कलर चेंज करता है। सुबह इन्होंने ब्लैक और ब्लूइश सा कलर देखा है और मुझे अभी हल्का सा ऊपर से देखने में ग्रीनिश सा कलर लग रहा है। नीचे चल के देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, ये हम बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक आ चुके हैं लेक के, और अभी जो है हमें ब्लैकिश और ब्लूइश सा ही कलर दिख रहा है बिल्कुल पास से भी। ऊपर से तो थोड़ा ग्रीनिश सा व्यू आ रहा था और अभी जो है ब्लैकिश ब्लूइश ही दिख रहा है। चलिए अब हम चलते हैं। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। जब भी आप नैनीताल आए ये पॉइंट्स को जरूर जरूर देखें। अब हम चलते हैं मनसा देवी के मंदिर। चलिए, हाँ एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, अगर मैं ऊपर से एक बार आपको दिखाऊंगी, ये जो है गाय का जो खुर होता है, मतलब जो पैर का पंजा होता है, ये उसके नाम पे बना हुआ है ये लेक। उसके जैसा इसका जो व्यू स्ट्रक्चर है इस लेक का, उसके जैसा है। आइए अब चलते हैं। अपने फोर्थ डेस्टिनेशन के लिए मनसा देवी मंदिर। चलिए आइए, ये रहा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं माता के दर्शनों के लिए। भैरव जी के मंदिर की तरफ। ये भैरव जी का मंदिर है। जय भैरव बाबा। जय माता। जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं और कहा जाता है माता
कि भैरव जी के दर्शन के बिना माता के दर्शन अधूरे हैं, वैसे ही यहाँ माता मनसा देवी के पास भी भैरव बाबा का मंदिर है जो कि दर्शन जरूर करना चाहिए। उसे हैं शिव जी के मंदिर की तरफ। ये शिव जी की गुफा है और गुफा के अंदर शिवलिंग है। जय फ्रेंड्स, हम अपने फिफ्थ डेस्टिनेशन की तरफ आ चुके हैं जो कि है सरिता ताल। आइए देखते हैं। सरिता ताल, हम बिल्कुल टॉप पे खड़े हैं। ये है पूरा सरिता ताल। यहाँ पे आप जिपलाइन भी अवेलेबल है, जिपलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये आपको ऐसे हैंग करके प्रॉपर इसमें आपको आपको यहाँ से मोटर चलती है जिसके थ्रू विद इन 20 सेकेंड्स के अंदर आपको दूसरे पॉइंट पे पहुँचा देंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जो कि है एडवेंचर पार्क। चलिए, अब हम आ चुके हैं एडवेंचर आइलैंड एडवेंचर करने के लिए। टिकट काउंटर की ओर, टिकट काउंटर पे हमें पता लगा कि जो टिकट्स हैं वो रेस्टोरेंट काउंटर्स में मिलेंगी। आइए देखते हैं। अब हम आ चुके हैं एडवेंचर आइलैंड में और हमने ली है 500 की टिकट जो कि डबल सीटर के लिए है, गो कार्टिंग के लिए, ठीक है। आप सिंगल सीटिंग भी कर सकते हैं, 350 में अवेलेबल है। चलिए अब हम चलते हैं गो कार्टिंग। हम लवर्स पॉइंट के पास आ चुके हैं। अब हम थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए भैया से जूस और मिक्स फ्रूट ले रहे हैं, ठीक है। भैया कितने का है मिक्स फ्रूट? 50। और जूस कैसे? जूस भी 50 रुपये। भैया एक प्लेट जूस, एक जूस ले तो ग्लास में और एक मिक्स फ्रूट की प्लेट लगा। चलिए अब चलते हैं लवर्स पॉइंट की ओर।
है लवर्स पॉइंट। यहाँ से दिख रहे हैं पूरे पहाड़। कुछ टूटे हुए दिल के लोग यहाँ सुसाइड भी करते हैं, आप मत करना। चलिए अब हम करते हैं हाउस राइडिंग। टाइगर टॉप का जंगल है ना ये, बोलो। हिम कॉर्बेट से मिला हुआ है, जंगल वगैरह भी मिल जाते हैं ना देखने को, इधर उधर देखिए आप लोग। हाँ मॉर्निंग में आ जाते हैं ना हम, कोई घोड़ा नहीं जाता, जैसे सुबह सुबह का टाइम तो मिल जाते हैं देखने को। जंगल हिरन है, बाघ है, भालू है, चलिए अब हम घोड़े से उतरे हैं और अब हम चल रहे हैं लेक व्यू के लिए। लैंड एंड पॉइंट पे की तरफ हम जा रहे हैं, यहाँ पे लैंड जो है एंड हो जाती है और खुलपा ताल लेक भी दिखाई देगी जो कि हमने पहले थर्ड पॉइंट में कवर किया है। चलिए आइए देखते हैं। वाओ व्यू देखिए सनसेट का, अब आप देख सकते हैं इसमें हमने आपको दिखाया था जो कि घोड़े की जो नीचे पांव होता है, गाय का जो पांव होता है उसकी शेप में है। यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर व्यू दिखाई देगा। पूरे पहाड़ों में जैसे सनसेट का टाइम हो चला है और बिल्कुल लालिमा सी हल्के हल्के पहाड़ दिखना कम होते हुए बहुत ही ऑसम और रिलैक्सिंग व्यू। मैं यहाँ पे घंटों बैठ सकती हूँ, इतना रिलैक्सिंग व्यू है। जरूर आइए हॉर्स राइडिंग जरूर कीजिए। बाय। हमारी हॉर्स राइडिंग कंप्लीट हो चुकी है और बहुत बहुत मजा आया हमें। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। थोड़ा अंधेरा हो चुका है, आई एम नॉट श्योर कि हम नैनी देख पाएंगे या नहीं, नैनी व्यू देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं, वही लास्ट बचा है हमारा। चलिए आइए फ्रेंड्स, जब हम आ चुके हैं 12 पत्थर की ओर, यहाँ पे देख सकते हैं ये पुलिस चौकी पोस्ट भी है। 12 पत्थर है यहाँ पे जो कि ऊपर से लोग रॉक क्लाइंबिंग भी करते हैं और ये रोप्स वगैरह दे रखी है। ये देखिए यहाँ पे ना थोड़ा अंधेरा है आई नो, मगर आपको दिख जाएगा, 12 पत्थर दिखाई देंगे। मैं गिनती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये पूरे बारह पत्थर है, 12। फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं नैनीताल व्यू पॉइंट पे और आप नीचे देख सकते हैं, नीचे ताल है जो कि मैंगो की शेप में है, ठीक है। और लास्ट में जो है ये पूरा नैनीताल का ऊपर से व्यू है, आप देख सकते हैं। हम रात के समय यहाँ आए हैं और लाइट्स वगैरह प्रॉपर हैं,
तो लाइट ऑन हो गई है तो आपको पूरा व्यू दिख रहा है इस समय, बहुत ही बढ़िया शानदार व्यू।